नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूँ आपके साथ पूजा। गया लोकसभा सीट से हम पार्टी के जीतन राम मांझी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। इनके मुकाबले में राजद के कुमार सर्वजीत खड़े थे, जिन्हें इस बार हार का सामना करना पड़ा है। गया सीट के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। आपको बता दें कि गया एक सुरक्षित लोकसभा सीट है। सीट बंटवारे में ये सीट एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिली थी। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का मुकाबला बिहार के मंत्री रहे कुमार सर्वजीत से था। बता दें कि गया में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हरि मांझी को 2,46,255 वोट मिले थे और राजद प्रत्याशी रामजी मांझी को 1,83,802 वोट मिले थे। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हरि मांझी को 3,26,230 वोट मिले थे, तो वहीं राजद के प्रत्याशी रामजी मांझी को 2,10,726 वोट मिले थे। सबसे अंतिम 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी विजय कुमार को 4,67,007 वोट मिले थे और हम से जीतन राम मांझी को 3,14,581 वोट मिले थे। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।